Hello student, this is Mehak and today we will determine modulus of rigidity of wire using Maxwell's needle method. So first of all we will see what is modulus of rigidity. Modulus of rigidity is a coefficient of elasticity and it is represented by a term known as eta. Eta se ise represent karta hai. कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट जो है उसे डिफाइन करते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशो से और स्ट्रेन का टाइप डिपेंड जो स्ट्रेन का टाइप है वही हमें बताता है कि हम किस तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस. तो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिक कांस्टेंट कैसा है. तो जब ये स्ट्रेन शियरिंग स्ट्रेन होगा, शियरिंग स्ट्रेन यानी कि जब किसी भी बॉडी को हम इस तरीके से डिफॉर्म करें कि उसकी शेप में तो चेंज हो जाए बट उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज़ नोन एज शियरिंग स्ट्रेन. तो एक तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स के किसी एक फेस यानी अगर मैं ए बी सी डी रेक्टेंगल की बात करूँ तो मैंने अगर ए बी फेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाया और वो फोर्स ऐसे लगाया कि वो टेंजेंशियल फोर्स है. अब टेंजेंशियल फोर्स हुआ तो जब मैंने ए से बी ए बी फेस के ऊपर कुछ टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो क्या चेंज होगा कि इधर से जो डी ए की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और सी बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी. कुछ इस तरीके से शेप में चेंज होगा और यहाँ पर ये ए डैश और बी डैश से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने ए बी फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो वहाँ पर उसने ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया और इनकी पोजीशन शिफ्ट होते ही ए बी सी डी जो ब्लॉक था इसकी शेप में चेंज हो गया बट इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ. देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन. यानी कि जब कुछ ना कुछ एंगल के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए डी और डी ए डैश में एक एंगल थीटा का डिस्प्लेसमेंट है और इसी थीटा एंगल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसकी शेप में तो चेंज हो रहा है बट इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा. देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन. और जब स्ट्रेन शियरिंग टाइप का है तो उस टाइम जो इलास्टिसिटी का कॉन्स्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हमें पता लग गया कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या चीज़ होती है. अब हम देखते हैं कि जो मैक्सवेल नीडल का हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो क्या चीज़ है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द मैक्सवेल नीडल और ये वो वायर है जिसके मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो इस वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना हमें मैक्सवेल नीडल का मेथड यूज़ करके. तो मैक्सवेल नीडल इज़ नथिंग बट अ होलो ब्रास लॉन्ग ट्यूब. कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है ये होलो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है ये और ये लॉन्ग ब्रास ट्यूब है और इसको एक एंड से हमने रिजिड सपोर्ट के साथ में सपोर्ट किया हुआ है और इसके फ्रंट पे एक मिरर लगा हुआ होता है और इस मिरर से हम टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन फाइंड आउट करते हैं. रेफरेंस पॉइंट को हम चूज़ करते हैं इस मिरर का यूज़ करके और इसके अंदर हमें चार तरीके के सिलेंडर्स दिए होते हैं. चार सिलेंडर्स हैं जिसमें दो सिलेंडर जो हैं वो होलो सिलेंडर हैं और दो सिलेंडर जो हैं वो सॉलिड सिलेंडर है और इनका जो डायामीटर है, सॉलिड सिलेंडर्स का डायामीटर और होलो सिलेंडर का डायामीटर जो है वो कंपेरेबल होता है एक दूसरे से. और इन सिलेंडर्स की लेंथ जो होती है, अगर मैक्सवेल नीडल की लेंथ एल है तो इन हर एक सॉलिड सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल बाय फोर है. और एल बाय फोर क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इन सॉलिड सिलेंडर या होलो सिलेंडर को इस होलो ट्यूब के अंदर डालते हैं तो ये सारी की सारी होलो ट्यूब को कवर अप कर देती है. तो इसीलिए इन चारों जो सिलेंडर्स हैं, इन चारों सिलेंडर्स की जो लेंथ है वो एल बाय फोर है. मैक्सवेल नीडल मेथड में हम दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे. फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में इन होलो सिलेंडर्स को हम अंदर की तरफ रखेंगे और सॉलिड सिलेंडर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे और दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसकी अपोजिट होगी. और अपोजिट में क्या होगा कि सॉलिड सिलेंडर को तो अंदर की साइड रखेंगे और होलो सिलेंडर जो होंगे वो आउटर साइड्स पे होंगे. तो देखिए, जब मैं इन होलो सिलेंडर्स को इस ब्रास ट्यूब के अंदर डालती हूँ
इस तरीके से मैंने ये डाल दिए। अभी होलो सिलेंडर जो है वो अंदर की तरफ है और सॉलिड सिलेंडर जो है वो आउटर साइड्स पे है। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सॉलिड सिलेंडर्स को हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा है, और जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी अपोजिट होगी। अब हमें इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए टाइम पीरियड जो है वो नोट करना है। इस मेथड से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो निकलता है ईटा इज इक्वल्स टू 2 pi into small l m1 minus m2 capital L square divide by r raised to the power 4 into t1 square minus t2 square, where this small l is the length of the wire जिसका हमें modulus of rigidity find out करना है, and m1 is the mass of solid cylinder और m2 इज द मास ऑफ होलो सिलेंडर एंड कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल। दिस इज द मैक्सवेल नीडल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो छोटे वाली जो नीडल हम रेफरेंस पॉइंट के लिए रखते हैं उसे मैक्सवेल नीडल समझ लेते हैं, लेकिन वो मैक्सवेल नीडल नहीं है। मैक्सवेल नीडल है ये वाला होलो ट्यूब, इसका हमें लेंथ मेजर करनी है और वो है कैपिटल एल। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला में आता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ द वायर जिसका हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करनी है, एंड t1 इज द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी जिसमें सॉलिड सिलेंडर्स को हमने आउटर साइड पे रखा था। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड t2 इज द टाइम पीरियड फॉर सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने होलो सिलेंडर्स को आउटर साइड पे रखा था। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूजिंग मैक्सवेल नीडल मेथड। हेयर आर द टू ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल इज अ टेबल फॉर द रेडियस ऑफ द वायर। तो रेडियस ऑफ वायर हम फाइंड आउट करेंगे स्क्रू गेज का यूज करके, और दूसरी टेबल है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें काम करना है, और दो कॉन्फ़िगरेशन में जब सॉलिड सिलेंडर एक बार आउटवर्ड साइड रखें और एक बार इनवर्ड साइड रखें, तो जब हम एक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन फॉर टाइम करना है, और वहाँ से फिर हम मीन टाइम फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ से टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सिर्फ यही काम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ जाते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ द वायर। तो रेडियस ऑफ वायर हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज की वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाली हुई है, और उसकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से जब मुझे स्क्रू गेज के साथ रीडिंग लेनी है तो इन दो स्टड्स के बीच में वायर को पहले तो टाइटली डाल दूंगी, और यहाँ से फिर मुझे रीडिंग्स लेनी है। तो वायर की रेडियस फाइंड आउट करके हमें रिजल्ट मिला कि उस वायर की जो रेडियस थी वो 0.02375 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ, और सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैंने आपको बोला कि हमें दो कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करना है। सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर को हमें आउटवर्ड साइड में रखना है, तो हमने मैक्सवेल नीडल के अंदर होलो मैक्सवेल नीडल के अंदर चारों के चारों सिलेंडर्स को फिक्स कर दिया, और इस तरीके से फिक्स किया है कि जो अंदर वाले दो सिलेंडर हैं वो होलो सिलेंडर है और ये बाहर वाला जो सिलेंडर है ये सॉलिड सिलेंडर है। तो इस तरीके से हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी है कि सॉलिड सिलेंडर को हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में रखना है, और आपको इसे इस तरीके से फिक्स करना है कि यहाँ से जो मैक्सवेल नीडल के बाहर है वो आपको सिलेंडर्स दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिखाई दे रहे हैं तो दोनों साइड वो इक्वल डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर अगर सॉलिड सिलेंडर यहाँ पर इतना डिस्टेंस बाहर है तो इस साइड भी वो इतना ही डिस्टेंस बाहर है, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए मैक्सवेल के लेफ्ट और राइट साइड में। और उसके बाद फिर हमें इस मिरर के सामने एक नीटिंग नीडल रखनी है,
ये निटिंग नीडल है, हमने क्लैंपिंग स्टैंड में इस निटिंग नीडल को डाला हुआ है, और निटिंग नीडल को हमें मैक्सवेल नीडल के मिरर के सामने इस तरीके से रखना है कि आपको नीडल की इमेज इस मिरर में दिखाई देनी चाहिए। और उसके बाद ये सेट करने के बाद फिर हमें टेलीस्कोप को सेट करना है, और टेलीस्कोप को हमें मैक्सवेल नीडल के इस मिरर के ऊपर इस तरीके से सेट करना है कि इस नीटिंग नीडल की इमेज हमें मिरर में टेलीस्कोप में दिखाई देनी चाहिए। और सेट करने के बाद फिर हमें फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे हल्का सा ट्विस्ट देना है। हल्का सा ट्विस्ट देंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर जाएगी, टोर्शनल वाइब्रेशन से इसमें शुरू हो जाएंगे। तो टोर्शनल वाइब्रेशन के साथ में हमें वहाँ पर टेलीस्कोप में 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड नोट करना है। 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड किस तरीके से कि फर्स्ट वाली वाइब्रेशन को आप जीरो काउंट कर लेंगे, यानी कि अगर आपने इसे रोटेट किया तो देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब नीटिंग नीडल की इमेज क्रॉस वायर्स के टेलीस्कोप की क्रॉस वायर को फर्स्ट टाइम लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में अगर सॉरी राइट साइड की डायरेक्शन में क्रॉस करे तो दैट इज़ जीरो काउंटिंग। उसके बाद फिर आप स्टॉपवॉच ऑन कर देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो राइट साइड की तरफ मूव करे यानी राइट साइड क्रॉस करे क्रॉस वायर को तो वो फर्स्ट वाइब्रेशन। तो इस तरीके से आपको वाइब्रेशन काउंट करनी है। अब टेलीस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने नीडल की इमेज देख ली है और टेलीस्कोप को हमने सेट कर लिया। अब टेलीस्कोप को सेट करने के बाद मैक्सवेल नीडल को हम हल्का सा रोटेशन देंगे विद सम एंगल थीटा, और जो बहुत छोटा एंगल होगा, और उसके बाद वहां से हम नीडल को 20 वाइब्रेशंस नीडल को रेफरेंस पॉइंट मानकर 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करेंगे। और हमें मैक्सवेल नीडल को वाइब्रेशन इस तरीके से देनी है कि वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वाइब्रेशन रहे, वो टू एंड फ्रो मोशन ना करे, तो आपको ये प्रिकॉशन रखनी है। फर्स्ट वाइब्रेशन को हम जीरो काउंट करेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिसमें सॉलिड सिलेंडर्स जो थे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थे, जो हमने टाइम 20 वाइब्रेशंस के लिए नोट किया वो आया है 10 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स, और इसे फिर हमें टोटल सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट करना है। और उसके बाद फिर दोबारा से इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें दो बार और टाइम को नोट करना है। तो दो बार और टाइम को नोट करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमें आउटवर्ड सॉलिड सिलेंडर की डायरेक्शन के लिए जो टाइम मिलता है वो है 10 मिनट्स 50 सेकेंड्स, एंड थर्ड के लिए है 10 मिनट्स 58 सेकेंड्स।
सेकेंड वाली कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि सॉलिड सिलेंडर्स को हमने अंदर की तरफ रखा मैक्सवेल नीडल के, उस टाइम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करते टाइम जो टाइम आया है वो है 8 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स। यहाँ से हमने दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लिए। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जब हमने सॉलिड सिलेंडर्स को रखा तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 31.64 सेकेंड्स, और जब हमने सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सॉलिड सिलेंडर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में रखा है तो उस टाइम जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो है 25.06 सेकेंड। अब हमें फॉर्मूला में चाहिए था इन सॉलिड सिलेंडर्स का मास और होलो सिलेंडर का मास और वायर की लेंथ और मैक्सवेल नीडल की लेंथ, वो हमने मेज़र कर ली है। और मेज़र करके जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो है वो है 250 ग्राम्स, और मास ऑफ होलो सिलेंडर जो है वो है 70 ग्राम। उसी तरीके से लेंथ ऑफ वायर जिसका हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करनी है वो है स्मॉल एल, एंड दैट इज 54.5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल इज 40 सेंटीमीटर। अब हमें सॉलिड सिलेंडर का मास पता है, होलो सिलेंडर का भी मास पता है, और वायर की लेंथ का हमें पता लग गया, और मैक्सवेल नीडल की भी लेंथ हमें पता लग गई, और टाइम पीरियड भी हमने नोट कर लिया, और रेडियस हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। अब इन सब वैल्यूज़ का यूज़ करके फॉर्मूला में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ईटा की। अब हम फॉर्मूला में सबकी सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी ईटा की। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो हमारी आई हुई है, तो ईटा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज 54.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय m1 इज़ द मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 250, माइनस m2 इज 70 ग्राम, इंटू l इज़ द लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल एंड दिस इज 40, तो 40 स्क्वेयर डिवाइड बाय r raised to the power 4, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, और वो हमने कैलकुलेट की हुई है 0.02375 raised to the power 4, मल्टीप्लाई बाय t1 square इज़ द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट कॉन्फिग्रेशन, तो जिसमें हमने सॉलिड सिलेंडर को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा था, और वो है 31.64 स्क्वेयर, माइनस t2 इज़ द टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड कॉन्फिग्रेशन एंड दिस इज 25.06 स्क्वेयर। अब ये सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद ईटा की जो वैल्यू है वो आती है 8.3039 × 10⁻¹⁹ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और इसे ये CGS में हमने फाइंड आउट किया है, जब इसको MKS यूनिट्स में फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है 0.83039 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। यहाँ से हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इस वैल्यू से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वायर का मटेरियल क्या था। तो यहाँ पर ईटा की जो वैल्यू है वो 0.83 × 10⁻¹⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट की है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स भी हैं, और इन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में आप देखिए कि 0.83 जो है वो इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, 0.77 से 0.83 की रेंज में, और ये जो रेंज थी वो आयरन रफ की रेंज थी, यानी जो हमारे ईटा की वैल्यू आई है 0.83 × 10⁻¹⁹ वो इस रेंज के अंदर है। इसका मतलब कि
कि जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो आयरन रफ का मटेरियल है। तो इस तरीके से इस वायर के मटेरियल के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि जो वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। अब हमें इस ईटा की वैल्यू से ये पता लग गया कि जो मैक्सवेल नीडल में जिस वायर का हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो आयरन रफ की बनी हुई है। तो वहाँ से अब हम ईटा की वैल्यू से ये भी कह सकते हैं कि ईटा की वैल्यू 0.83010 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होने का मतलब ये है कि उस वायर के पर मीटर स्क्वेयर एरिया के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना फोर्स अगर लगाया जाए तो इतने फोर्स लगाने तक वो वायर में जो एंगल है या ट्विस्ट है उसकी वजह से उसकी शेप में तो चेंज होगा बट उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ पर उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर यूजिंग मैक्सवेल नीडल्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।